नमस्कार साथियों, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में आप सभी के साथ पुरानी खबरों से रिलेटेड ही कुछ नई खबर साझा करेंगे। ये बात सुनने में आप सभी को अटपटी लग रही होगी, लेकिन आप सभी की हाई पावर कमेटी यानी कि आप सभी को पता है कि सरकार यानी कि शिक्षा मित्रों के द्वारा जब से अपने समायोजन की मांग की गई, तब से सरकार के द्वारा लगातार यही बातें कही गई कि शिक्षा मित्रों के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन हुआ है और इसका रिपोर्ट जल्द ही आएगा। तो आखिर इसका रिपोर्ट क्या हुआ, यानी कि शिक्षा मित्रों के समायोजन की हाई पावर कमेटी रिपोर्ट का क्या हुआ, ये सारी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। सबसे पहली अपडेट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसके बाद कुछ मेन अपडेट्स आप सभी को दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख पा रहे होंगे, दरअसल यहां पर आप देख लें कि यहां पर लिखा है कि अमिताभ अग्निहोत्री जी, यानी कि इनका नाम आप सभी जानते होंगे, इनका परिचय देने की आपको जरूरत नहीं है। आप यहां पर देख लें, इनके द्वारा विपक्षों पर और सरकार पर तो सवाल उठाया ही जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ शिक्षा मित्र जो शिक्षा मित्र है, गरीब जनता है, उनके बारे में भी इनके द्वारा आवाज उठाया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी यहां पर प्रतिक्रिया तब भी नहीं दी जाती है। यह हाल ही की एक पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं, दरअसल ये एक वीडियो है जो कि अभी मैं प्ले नहीं कर सकता हूं। नव भारत टीवी के द्वारा ये न्यूज साझा की गई है, जहां पर इनके द्वारा हाल ही के अंदर जो शिक्षा मित्र थे, जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे शिक्षक साथी, उनके द्वारा जो आंदोलन किया गया था, उस पर इनके द्वारा सरकार से सवाल उठाया गया था, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया गया और दिया भी नहीं जाएगा। फिलहाल सेकेंड अपडेट यहां पर आप देख लें कि आप सभी को कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स यहां पर दिख रही होंगी। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं आपके अतीत से ही जुड़ी हुई हैं, जहां पर साथियों आपको ऊपर कुछ पेपर की कटिंग दिख रही होंगी जो कि पहली ही न्यूज़पेपर की कटिंग है आप सभी के हाई पावर कमेटी रिपोर्ट, यानी कि जब शिक्षा मित्रों के द्वारा ये मांग किया गया कि हम भी शिक्षकों के बराबर कार्य करते हैं, योग्यता रखते हैं, तो हमें भी आप शिक्षकों के समान वेतन दें, लेकिन सरकार के द्वारा कहा गया कि आपके लिए हमने एक हाई पावर कमेटी गठित की है जिसकी अध्यक्षता पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी कि दिनेश शर्मा जी कर रहे हैं, और जल्द ही यहां पर आप सभी के लिए कोई जो भी रिपोर्ट निकलेगी उस पर आपके लिए निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सत्यता यही है कि केवल और केवल शिक्षा मित्रों को बरगलाने का कार्य किया गया था कि शिक्षा मित्र आंदोलन ना करें, अपनी मांग अभी ना करें, वो इंतजार करें हाई पावर कमेटी का, और अभी तक साथियों कोई भी सटीक रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी और नहीं मिली है और ना ही मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये केवल और केवल एक जुमला था, केवल आपको बरगलाने का काम यहां पर किया गया था। यही सच्चाई है आपके हाई पावर कमेटी रिपोर्ट की, जहां पर आप सभी को दिख रहा होगा यहां पर ऐसा नहीं है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कोई वादा नहीं किया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई वादा नहीं किया गया था, उनके द्वारा वादा भी किया गया था, कहा भी गया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का भी हल निकालेंगे, यानी कि शिक्षा मित्र परेशान ना हो उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे, लेकिन आज तक कोई भी हल नहीं निकाला गया, और बार बार शिक्षा मित्रों के द्वारा मांग किए जाने पर इनके द्वारा यही कहा जाता है कि शिक्षा मित्र जो है उनका हमने मानदेय 3500 से 10000 किया, 40000 से 10000 किया, ये किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी ज्ञात नहीं है, लेकिन 3500 से 10000 किया, ये बातें सरकार को जरूर से जरूर याद रहती हैं। फिलहाल के लिए यही अपडेट्स थी आप सभी के लिए। फिलहाल ये अपडेट आपको कैसे लगी ये कमेंट में लिखकर बताइएगा, और अपनी अपनी राय आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।